हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से सर्कल शेप में कट करके बहुत ही प्यारी सी एक क्विल्ट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे कपड़े अगर आपके पास भी पड़े हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियो जो है मैं आपके लिए नए नए आइडिया लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह के कपड़े मेरे पास पड़े हैं, छोटे छोटे। हर बार मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे मोटे कपड़े तो हमेशा मेरे पास जो हैं पड़े रहते हैं। ये देखिए, इस तरह के कपड़े छोटे छोटे पीस, छोटे बड़े जैसे भी आपके पास पड़े हैं ना, उनको आप यूज़ करके बहुत ही प्यारी सी क्विल्ट या बेडशीट जो है बना सकते हैं। तो आज हम सर्कल शेप में कट करके बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट जो है बनाने वाले हैं। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे इसको, ये मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए ये चौरस पीस मैंने कट किए थे ना, एक बार मैंने क्विल्ट बनाई थी, तो जो मेरे छोटे छोटे पीस फिर बच जाते हैं ना, तो उनको मैं रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो उसमें से कुछ थोड़े बहुत पीस मेरे बचे थे ना, पहले इनको भी मैं यूज़ करूँगी। इनको ये देखिए इस तरह से रखते हुए ना सर्कल कट कर लूँगी, गोलाई में हमने ये इनको कट कर लेना है। तो जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे मैं कोई क्विल्ट बनाती हूँ, कोई पीस बच जाते हैं ना, तो उनको हमेशा मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने रखे थे ना, तो अभी मेरे ये काम आ गए। तो इस तरह से हम बहुत ही प्यारी सी क्विल्ट बनाने वाले हैं। तो ये देखिए दो पीस मेरे ये कट गए, अभी सारे पीस जितने भी मुझे चाहिए उतने मैं कट कर लेती हूँ। पहले तो ये जो चौरस पीस मेरे पास बचे थे ना, पहले मैंने इनके ही कट कर लिए, क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी दिनों से मैंने रखे थे संभाल के। जब भी मैं कोई काम करती हूँ, छोटा से छोटा पीस भी जो बचता है ना, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती। तो देखिए इतने सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, सारे अलग अलग साइज़ में मैंने कट कर लिए हैं, कोई बड़ा छोटा, ये देखिए इस तरह से छोटे और बड़े साइज़ में काफ़ी सारे पीसेस जो है हमने कट कर लेने हैं। तो देखिए इतने सारे पीसेस अभी मैंने कट कर लिए हैं, अब इनको हमने क्या करना है, ये देखिए ये जो फ्यूजिक पेपर होता है ना, उस पर हमने इनको पेस्ट कर लेना है। तो देखिए प्रेस के साथ मैंने इनको जो फ्यूजिक पेपर होता है उस पर मैंने चिपका लिया है। तो फ्यूजिक पेपर पे आपने चिपका लेना है, आप चाहो तो बुकरम का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन बुकरम जो है आपको महंगा पड़ेगा। तो वो बुकरम जो है 100 रुपये का मीटर आता है और ये 20 रुपीज़ का पर मीटर है। तो आप फ्यूजिक पेपर लीजिए, जो हम सूट में गले वगैरह में यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, वो वाला आपने लेना है। आप देखिए सारे सर्कल जो हैं मैंने कट कर लिए हैं। अब जब हम ये फ्यूजिक पेपर नीचे लगा लेते हैं ना, उसके साथ जो है थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है, और इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बन जाता है, कोई इसमें सलवट वगैरह झोल वगैरह नहीं आता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली आज मैं ना क्विल्ट तो नहीं बनाने वाली, ये मैंने पहले बनाई थी ना, इस पे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी और इसका भी लिंक आपको दे दूँगी। ये मेरा एक पुराना सूट, नाइट सूट था मेरा, बनाया था मैंने फैदर वाला, तो उसको मैंने यूज़ किया है, ये देखिए उसका मैंने ये बनाया था। तो क्विल्ट आप कोई भी बना सकते हो, बेडशीट आप ले सकते हो कोई भी ना, बीच में फोम रख लीजिए ऊपर और नीचे कपड़ा रख लीजिए और ऊपर से क्विल्टिंग कर लीजिए। तो इस पर मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो देखिए डिज़ाइनिंग जो है अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप जैसे मर्जी इन सर्कल को एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इनको लगाने के, लेकिन ये वाला तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जिस मर्जी तरीके से इनको, ये देखिए इस तरह से लगा सकते हैं। तो पहले मैं अच्छे से इनको सेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की आप बेडशीट भी बना सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ की बेडशीट बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पूरे बेड बेड के बराबर का एक कपड़ा ले लेना है, बीच में आप फोम रख लीजिए अगर फोम रखना चाहते हैं, और नीचे एक अस्तर के लिए नीचे कपड़ा लगा के बीच में क्विल्टिंग कर लीजिए, और इस तरह से डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो अभी मैं सारे पिन लगा लेती हूँ ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। तो देखिए सारे इन पे मैंने पिन्स लगा ली हैं, आप देखिए हमने बिल्कुल आराम से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, छोटा टांका रख के आपने यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है। तो आप चाहो तो ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके आप डबल सिलाई इस पे लगा लीजिए।
अगर आपके पास दूसरी मशीन है ना जिग जैग वाली, तो उसके साथ आप जिग जैग भी कर सकते हो। मेरे पास वो वाली मशीन है, लेकिन मैं अभी सभी के पास नहीं होती, तो इसीलिए मैं आपके साथ सिंपल सिलाई मशीन का आइडिया ही शेयर कर रही हूँ। मैं तो मेरे पास दूसरी सिंगर की मशीन है, तो उसके साथ मैं इस पे जो है ना साइड पे जिग जैग भी कर सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स जो सीख रहे हैं उनके पास जैसे मशीन सिंपल मशीन होती है, तो उनके लिए ही ये आइडिया मैंने शेयर किया है। अगर आपके पास सिंगर की मशीन है जो जिसके साथ की एम्ब्रॉयडरी वगैरह जिग जैग हो जाता है, तो आप जिग जैग टांके का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसी तरह से सारे जो पीस मैंने ये पिन के साथ अटैच किए हैं, अब देखिए इसी तरह से बिल्कुल धीरे धीरे करके हमने सिलाइयाँ लगाते जाना है। और पूरा इसको ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स स्क्रैप फैब्रिक के साथ हम बहुत सारी चीज़ें जो है बना सकते हैं। इनको कभी भी आप वेस्ट कपड़े मत समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम के होते हैं। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, छोटे कपड़े भी अगर आपके पास बच जाते हैं ना जब आप कोई काम करते हो, उनको हमेशा आप संभाल के रख लीजिए। अभी देखिए ना, कई बार हम कई लोग आप बताते हैं कि इसका पिल्लो भर लीजिए, इसका कुशन बना लीजिए, तो वो तो देखो थोड़े दिनों के बाद ख़राब हो जाता है और उसमें स्मेल भी पड़ जाती है और वो ना भारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम से हैवी होता है। तो वो चीज़ें तो मैं मोस्टली बहुत कम बनाती हूँ, मैं नहीं बनाती ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो ना बस हमें देखने के लिए थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में हमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे हम कपड़े बीच में भर देते हैं ना, तो उनमें स्मेल भी पड़ जाती है और वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं लगता। तो स्क्रैप फैब्रिक जो है मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और उसमें से बिल्कुल यूनिक सा लगे। तो काफ़ी सारे जो छोटे छोटे मेरे कपड़े होते हैं उनको मैं इसी तरह से यूज़ में लाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि आपको अलग से अलग आइडिया आपको बताऊँ, ताकि आपको भी आपके पास भी कोई पुराने कपड़े पड़े हों तो आपको भी आइडिया मिल सके और आप भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है आप बना सके। तो फ्रेंड्स देखिए, अब जो बैक साइड से इसके धागे वगैरह है ना, इनको मैं कट कर लेती हूँ। और ये बहुत ही प्यारा मेरा देखिए, या बच्चों के लिए आप बेडशीट समझ लीजिए या ब्लैंकेट समझ लीजिए सर्दियों का, विंटर के लिए। अभी देखिए इस तरह से ना मैंने इसको स्टिच कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पर और डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ, थोड़े से और सर्कल इस पर अटैच करने वाली हूँ। थोड़े से सर्कल मेरे पास और बच गए थे ना, तो मैंने कहा कि उनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए डबल कपड़ा मैंने ये लगाया था, लेकिन अब फ्रेंड्स इसमें मैंने कोई फोम वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि ये जो फैदर वाला फैब्रिक था ना ये काफ़ी मोटा था, तो इसलिए इसमें मैंने फोम नहीं डाली है। और इसका भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी इसी तरह से इस तरह से आया है ये। अब लेकिन ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं ना, इनके ऊपर जो मेरे थोड़े से और सर्कल बच गए उनको भी मैं अटैच करूँगी, तो आगे दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमने उनको अटैच करना है। ये देखिए मैंने क्या किया ना, थोड़े बहुत सर्कल बच गए थे, तो ये देखिए इस तरह करके मैंने जो बड़े सर्कल था उस पर थोड़ा सा छोटा सर्कल मैंने इस तरह से अटैच कर लिया, जितने बचे थे ना। फिर मैंने बोला कि वो कितने दिन मैं संभाल के रखूँगी, तो मैंने क्या किया जो बचे थे उनको भी मैंने अटैच कर दिया। सभी सर्कल पे नहीं किया, लेकिन जितने बचे थे ना उनको मैंने अटैच कर दिया। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारी बहुत ही प्यारी सी क्विल्ट बन के रेडी हो गई। आप चाहो तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसका लुक आया है। तो ये देखिए ये सर्कल मैंने ना फिर से इस पर लगा दिए। तो फ्रेंड्स आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप बड़े या छोटे साइज़ का बनाना चाहते हो, दीवान की बनाना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, दीवान की कोई भी बेडशीट आप लाइनिंग के लिए ले सकते हैं और दीवान के साइज़ का कोई फैब्रिक ले लीजिए, उस पर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।